हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टर गो चैनल। आपका फिर से स्वागत है मेरे न्यू इंडिया न्यू ब्लॉग में। सो आज का सफ़र हमारा होने वाला है वाघा बॉर्डर की तरफ, जहां पर रोज़ शाम को 6 बजे इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, जो गेट है वहां पर खुलता है, वहां पर परेड होता है। तो मैं आप सब लोगों को वो चीज़ दिखाऊँगा और आप सब लोगों को इंडिपेंडेंट डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर अभी हमारे भैया है ऑटो वाले। मैंने सोचा था कि कल जाऊंगा, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम लग गया था, इतना लंबी लाइन थी गोल्डन टेंपल में दर्शन करने के लिए, तो हो नहीं पाया था। तो उसकी वजह से टाइम वहाँ पर कंज्यूम हो गया और आज वाघा बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। तो आज मैं पूरा का पूरा कवर करके दिखाऊंगा, भैया हमें गाइड करेंगे अच्छी तरीके से। चलिए तब तक स्टे ट्यून। सो गाइस, यहाँ से भैया हमें लेके जा रहे हैं ऑटो की तरफ, अपने ऑटो की तरफ। तुमने मेरे साथ जाना है भैया? अच्छा, यहाँ भैया के तो भैया ही लेके जाएंगे हमें, मेरे साथ जाना। तो आप लोग जब भी यहाँ पर आओगे, मैं भैया का नंबर लिंक पे दे दूँगा, तो भैया से आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो सारी चीज़ें अभी जाएंगे, तब तक दो तीन मंदिर वगैरह भी पड़ेगा रास्ते में, तो भैया कह रहे कि वो उसका भी दर्शन करवाएंगे करके। तो चलिए, सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, हम लोग वाघा बॉर्डर की तरफ निकलने के लिए रेडी है। भैया ऑटो निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मतलब हम यहाँ पर हेलो के साथ अब निकल रहा हूँ वाघा बॉर्डर की तरफ। अगर हमारे मैम लोग भी है, ये रशिया से आए हुए हैं, निकलते हैं यहाँ से वाघा बॉर्डर की तरफ। तो फिलहाल हम ऑटो में तो बैठ चुके हैं, बहुत भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो देख सकते हैं, तो अब हम यहाँ से सीधे वाघा बॉर्डर की तरफ निकल रहे हैं। चलिए आप देखते हैं रास्ते में क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ से हम उस ऑटो में थे, तो अब वे चेंजिंग ऑटो। तो फाइनली गाइस, हम पहुँच चुके हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में और अभी यहाँ पर होगा इवनिंग ड्रिल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो इवनिंग ड्रिल होने वाला है। सो अभी मैं अंदर घुसूंगा, शायद बहुत भीड़ होने वाली है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। सो यहीं से हम जाएंगे अंदर की तरफ। तो चलिए, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से होगा करके। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा जो ये बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है। सो यहाँ से लाहौर है 23 किलोमीटर दूर। तो मैं आ चुका हूँ इंडिया के सबसे लास्ट जगह में, जहाँ से पंजाब से
उधर पाकिस्तान पड़ता है, तो दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। जो चीज़ सिर्फ मैंने टीवी में देखी, वो आज मैं लाइव देखने जा रहा हूँ। इंडिया पाकिस्तान का जो परेड होता है एकदम जोशदार होता है एकदम। सो यहाँ से थोड़ा सा दूरी है, इतना लंबा रास्ता नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया का फ्लैग है। सो जो ये, तो हम यहीं से जाएंगे। तो पता नहीं बैठने की जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त, तो आज 14 अगस्त के दिन भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, विजिट किया हुआ है यहाँ पर। तो अभी अंदर जाएंगे हम, वहाँ पर देखते स्टेडियम में बैठने की जगह है या नहीं है। सो ये आप देख सकते हो, सो यहाँ से हम एंट्री होंगे, तो यहाँ से हम एंट्री होंगे। अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आई एम टू एक्साइटेड कि यहाँ से आज वो चीज़ देखने जा रहा हूँ तो शायद मैंने कभी टीवी में देखा था। तो क्योंकि मेरे फैमिली के फोर्थ जनरेशन से इंडियन आर्मी को सर्व किया, उसके बाद पापा लोग कहते थे कि मतलब वाघा बॉर्डर में इस तरीके का सेलिब्रेशन होता है। तो जब भी पापा लोग बॉर्डर में पोस्टिंग होते थे तो वो लोग कहते थे कि मतलब इस तरीके से यहाँ पर भव्य तरीके से सेलिब्रेशन होता है। सो जब डेड फोर्स में थे तो उन्होंने बताया, तो आज मैं लाइव देखने जा रहा हूँ। सो यहाँ पर एक इंडिया का झंडा हमारा झंडा है, और यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा है। तो यहाँ पर अशोक स्तंभ बना हुआ है, और ये है इंडिया की एंट्री। तो यहाँ से हम एंट्री होंगे, और यहाँ पर भी अशोक स्तंभ व्हीकल भी खड़ा है, और यहाँ पर अशोक स्तंभ देख सकते हो आप, और ये पूरा इंडिया की एंट्री है। यहाँ से हम इस गेट से एंट्री होंगे, तो यहाँ पर अभी शो वगैरह भी चल रहा होगा। तो यहाँ से होगा परेड स्टार्ट, तो हम जाएंगे यहाँ से परेड स्टार्ट होगा। सो फाइनली बहुत मुश्किल से अंदर घुसा, और यहाँ पर जगह बनाया, तो आपको थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखाऊंगा। तो जो ये गेट है अभी खुलेगा शाम को 7 बजे तक का प्रोग्राम है, 7 बजे तक का प्रोग्राम है, तो 7 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। तो इस गेट से उधर जो पाकिस्तान से वो दिख रहा है आपको, चट्टा मारे जाते हैं उत्तर। ये पूरा इंडिया का। बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो फीलिंग आ रही है वो अलग ही अलग ही लेवल की है। तो यहाँ पर अभी डांस होने वाला है, तो ये आप देख सकते हो कि मतलब भीड़ किस तरीके से नीचे उमड़ रही है। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर अभी डांस हो रहा पूरा, और जो फीलिंग हो रही है देश के प्रति वाले की लेवल की है। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा ऐसा इमोशन, थोड़ा सा जोश,
हर एक चीज हो जाता है।
अभी का इस परेड ख़त्म हो चुकी है, हम जा रहे हैं अपने रूम को। काफ़ी अच्छी परेड रही, जिंदगी में पहली बार देखा, पहले तो टीवी में देखा था। तो अब पहले बाहर निकलते हैं क्योंकि बहुत क्राउड है, गर्मी भी बहुत है। तो चलो ऑटो में बैठते हैं, तो उसके बाद जब भीड़ से निकल जाएंगे फिर आपको गुड बाय कहते हैं। सो गाइस, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए एंड सपोर्ट माई आत्मा शांति भ्रमण ट्रिब्यूट टू अमर शहीद अबुल खलैन। एंड बस आज के लिए इतना ही, मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, गुड बाय।